ये नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये खलचल मची है। तुम छोड़ो, अब एक मिनट आते और आदमी आ रहे। खुसूसन जनता दल के कुछ लीडर अमित शाह जी से मिलने के बाद और पूरे मुस्लिम तबके में एक बात को फैलाया जा दिया, सीएम इब्राहिम साहब इससे राजी हैं। एक बात मैं साफ कर दूं, मेरी सियासी जिंदगी शुरू करने के बाद आज तक आने वाले कल ना मैं किसी के सामने झुका हूं, ना मेरे कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। ये कायम नहीं है, इत्तेदार भी कोई कायम नहीं है। ये एक साल हिंदुस्तान में चला के देखा हूं, चलाया है मैंने, हेड मिनिस्ट्री, एमएलसी, राज्यसभा मेंबर, मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। मेरे सामने का कोई चीज हैसियत है तो इस कौम का विकार है, इस कौम की इज्जत है। कौम जानती है मैं क्या हूं। पिछले बार असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मैं चाहता था कि तीसरी ताकत कर्नाटक में रहे, जब भी मुसलमान की इज्जत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा मुझे कहते थे तीसरी पार्टी एक रहना जरूरी है, अगर तीसरी पार्टी नहीं। आज आप देख रहे हैं, मीटिंग कर चुका हूं, आगे का लायक कदम क्या उठाना है। आज की हालत तमाम की मुत्तफिका राय लेके फिर आगे का फैसला इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जो इन्होंने बातचीत की है बिना मुझे बताए, खुद कुमार स्वामी मान लिए, हाँ हम कुछ चीज उनको नहीं बताए, हमको बोले नहीं गए। मैं बोला उसे जरूरत क्या थी, देवेगौड़ा जी इतने बड़े आदमी है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके पास आती है मिलने के लिए, तो आज इनको वहां दिल्ली जाने की जरूरत क्या थी। ठीक, कुमार स्वामी मेरे छोटे भाई है, आज भी वही मोहब्बत उनसे है, लेकिन मैं किसी की मोहब्बत के लिए इस कौम के विकार को और इसकी आना को, चाहे मिनिस्ट्री मिले चाहे राज्यसभा मिले, ये ठोकर मरता हूं। हम सियासत कर रहे हैं हुकूक व लिबात का एक हिस्सा समझ के, आज हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। कश्मीर का इलेक्शन मैं खुद कराया, गवर्नरों को अपॉइंट करने के फैसले में मैं शामिल हूं, तो इसलिए कोई लोग बाहर अगर ये कह रहे हैं तब सब बेजार ना, सवाल ही नहीं, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह के साथ सबसे बड़ी है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, वो मुसब्बिल असबाब है, असबाब को पैदा करता है, असबाब को तलाश करना हमारा काम है, तो मैं असबाब की तलाश कर रहा हूं। 16 तारीख को आप लोगों के जरिए मुझे चाहने वाले लीडर से हर स्टेट के अंदर, हर जिले में, वो तमाम तक आप इस खबर को पहुंचाइए और उनको 16 तारीख को आए। 4 महीने भी गवर्नमेंट बनी, मायूस है, आप खुश है, कोई काम हुआ इस काम का नहीं, ये कह रहे नहीं,
पार्लियामेंट इलेक्शन तक खामोश रहो। हुबली के अंदर क्या हुआ? इसलिए मैं ये तमाम चीजें जो है डिस्कस करने के लिए तैयार जब होगा, जब अपने लोगों से मिलूं, मुतादा मास अच्छे लोग हैं, उलमाए कराम है, चंद लोग अच्छे हैं, चंद लोग ऐसे वैसे हैं, फिर भी हमारे उलमा है, उनको इज्जत देना हमारा काम है। मैं हमेशा सर झुका के चला हूं, तकबर और फखर से कभी मैं चला नहीं है, तकबर दूर दूर तक मेरे पास नहीं है। तो इसलिए आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो दूर करें। हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, 16 पैनल के मीटिंग में 4 सब्जेक्ट रखे हैं। बीजेपी के साथ जो ये लोग बातचीत करके आए हैं, क्या ये सही है? आपकी राय क्या है? अगर ये सही नहीं है तो अगला कदम क्या उठाना है? नीतीश कुमार से भी, जिससे भी लोग भी बात कर रहे हैं, शरद पवार जी भी मुझे खुद मुझसे बात किए वो कल, आपके लोग भी खुद बात किए मुझसे, पूरे ऑप्शंस ओपन है। कांग्रेस के लीडर्स भी बातचीत कर रहे हैं, ओपन है। हम को यह कह रहा, एक बात याद रख ले, मैं कभी भी 4 साल की एमएलसी रिजिग्नेशन दे के निकलाऊंगा, मेंबरशिप छोड़ने को भी तैयार नहीं। हम मेंबरशिप हम बांट रहे खबरस्तान की आज कमेटी की, वक्फ बोर्ड की। आप ये हुकूमत का हिस्सा है, 1,30,00,000 तुम्हारी आबादी है, जिंदगी 6 दिन 7 दिन खत्म हो जाती, खबर की जिंदगी दांत कयामत तक रहने वाली है, उस जिंदगी की तैयारी में है हम लोग। सियासत हुकूक व लिबात का एक हिस्सा है। अल्लाह को डर के, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं काम कर रहा हूं। यह बात नहीं कि आवाम का खौफ नहीं, मुझे सबसे पहले अल्लाह का खौफ है। जब वो खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में है, किसी का खौफ दिल में नहीं रहता। तो इसलिए मैं 16 तारीख को तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वो आए, एक दिन हमारे साथ गुजारे, अपनी राय दे। ये राय लेने के बाद कुमार स्वामी देवगौड़ा जी से मिलूंगा, उनको कहूंगा राय ये है, आप क्या करेंगे, मैं क्या करना है, फिर उसके बाद हमारा मुस्तकबिल सुनाएंगे। सर अभी थोड़ी देर पहले आप काफी दिनों के बाद, मैं चाहता था कि पहले सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, उर्दू मीडिया से शुरू करूं, फिर उसके बाद कन्नड़ा मीडिया जो अपना मीडिया है, फिर उसके बाद नेशनल मीडिया का हो, लेकिन आप खुद नेशनल मीडिया वाले जब आ गए हैं तो आपको जो है मैं इनकार नहीं करके आपके दिल को दर्द पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे आज मेरी मन की बात, और 16 तारीख को नेताओं की बात, ये दोनों बातों को मिला के एक फैसला होगा। कुमार स्वामी जी मेरे छोटे भाई हैं, देवगौड़ा जी मेरे पिता समान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। आज कुमार स्वामी जी अमित शाह जी के साथ जो बातचीत करे जाके, इससे काफी दिल को दर्द हुआ मुझे, क्योंकि पार्टी का कोई फैसला होता है तो पार्टी अध्यक्ष करता है, बिना अध्यक्ष को पूछे, बिना अध्यक्ष को बोले दिल्ली अगर गए हैं, जनता दल देवेगौड़ा के नेतृत्व और उनकी लीडरशिप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी है। बीजेपी को चाहिए था कि वो देवेगौड़ा के घर आए, देवेगौड़ा को बीजेपी के घर ले जाने का जो काम किए हैं, इससे मुझे दिल को बहुत दर्द हुआ है।
ये होना नहीं चाहिए था। और कुमार स्वामी जी ने खुद कहा है कि मैं चंद बातें अध्यक्ष को कहा हूं, चंद बातें मैं नहीं कहा हूं। भाई पॉलिटिक्स में कोई चीज छुपाने की नहीं है, समझौता कर रहे हो कि आपके सिद्धांत को बीजेपी मानी है या बीजेपी के सिद्धांत को आप माने हैं। नंबर वन, जिस वक्त बातचीत हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नया जो छपाए हैं ये, उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के वर्ड्स नहीं है, क्या इस पर आप राजी हैं? नंबर तीन, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, इस पर कुछ बात हुई? मैत्री क्या बात होती है भाई? अगर आपके पास ताकत है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, आप देने के मुकाम में हैं। ठीक है, जनता दल को पार्लियामेंट में सीट नहीं मिली, परवाह नहीं, लेकिन अपने सिद्धांत को, उसूलों को किसी के कदमों पर रख के चलना। जनता दल 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पार्टी बनी जेल में। हमारी पैदाइशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सबका साथ सबका विकास यह नारा देने वाली जनता दल है, इमरजेंसी में लड़ने वाली जनता दल है। ऐसी बहादुर पार्टी को आप अकेले जाके ये जो करके आया है, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पूरे नेता इसके खिलाफ है, यानी ये जो हुआ अच्छा नहीं है। आप मरी बदल, आप कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए सवाल पूछे, आप क्या करेंगे, मेरा क्या करेंगे? नंबर वन, अगर मुझे बीजेपी में जाना था, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने उसी वक्त मुझे मिनिस्ट्री का ऑफर किए, वाजपेयी जी और मेरे, आडवाणी जी और मेरे संबंध जेल के संबंध है। आज भी मोदी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। अमित शाह जी से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन नीतियों में जो बदलाव है इसका हम विरोध करते हैं। चुनाव तो वही होता है, ये चुनाव तलवार का नहीं है, चुनाव ताकत का नहीं है, ये जनता के मन को जीतने का चुनाव है। जो जितने जनता को जीतेगा वो उतना बड़ा लीडर होगा। तो आज हम जनता के बीच में जाने के लिए 16 तारीख को मीटिंग बुलाए हैं। मैं पार्टी का अध्यक्ष अभी भी हूं, कल भी हूं, क्योंकि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूं। आज पार्टी किसी के साथ चुनाव कर का समझौता करे या किसी के साथ बात करे, वो पार्टी करती है, पार्टी का फैसला लेके करना पड़ता है। या तो पार्टी का अध्यक्ष किसी को अधिकार दे कि आप करें, ना हमने किसी को अधिकार दिया ना हम बात की। तो इसलिए 16 तारीख को है, 4 सब्जेक्ट हमारे पास है। कुमार स्वामी जो बीजेपी के साथ गए हैं, क्या ठीक है हमको जाना है या नहीं? नंबर दो, अल्टरनेटिव क्या है? कांग्रेस है, नीतीश कुमार है, शरद पवार है, आप है, कर्नाटक के नेता जो आ रहे हैं, इनकी राय क्या है? ये तमाम राय को लेकर जो है फिर मैं देवेगौड़ा जी से, कुमार स्वामी जी से मिलूंगा और हालात को उनके सामने रखूंगा, उसके बाद उनको सुनने के बाद जो है फिर हम अपना फैसला करेंगे। यही तो है सच्चाई, यही हकीकत है। और कोई बाहर बोल रहे नहीं, इब्राहिम साहब को मंत्री बोल दिए, मंत्री देखिए, सीएम इब्राहिम कोई पद के लिए, कोई पोजीशन के लिए नहीं है। मैं जनता के विश्वास को, जनता के विकार को सर्वबुलंद रखना और संविधान को उठा के रखना, संविधान को लेके चलना, ये काम सीएम इब्राहिम करके आया है। 4 साल की एमएलसी थी, वो छोड़ के आए। तो इसलिए हमको जो है कोई
ओहदे के लालच में ही है। कोई हमारा सिर्फ यह है 6.5 करोड़ जनता मान सम्मान के साथ रहे, भयमुक्त रहे और किसी भय के नाव विनाद पर अपना मतदान चलाएं, यही हम जनता के सामने लेके जाएंगे। सर, सीएम इब्राहिम कोई पॉलिटिक्स को बहुत नीची तरह से जानते हैं बहुत सालों से, इस हालात में आपके हालत को देखकर कहीं आपको ही तरस आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का डिसीशन जेडीएस लीडरशिप लिए है डिस्पाइट विदाउट योर डिसीशन, ऐसा एक बड़ा डिसीशन लेना क्या मुमकिन था? दूसरी बात सर, ऐसा डिसीशन लेने के बाद आप सेक्युलर वर्ड को बाहर रखना चाहिए, ये मैसेज है कांग्रेस के तरफ से, आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप सेक्युलर वर्ड जेडीएस जो कहते हैं आप केडीएस दे रही है, लेकिन हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर रहेंगे, सेक्युलर की पॉलिटिक्स ही करेंगे। नंबर वन, आपने कहा कि आपको मायूसी हुई है, नहीं क्या? यस, भारत का इतिहास है जब पांच पांडव अलग हो गए, सारे कौरव संतान एक तरफ थी, पांडवों को जो समय था वही समय आज हमारा है। पार्टी से पार्टी तब अभी करके है ना, हाथ तो मिलाए ना भाई, ये बात करके अभी कोई फैसला नहीं हुआ है सर। देखिए ऐसा कोई फैसला अभी तक फैसला नहीं हुआ है, बातचीत करके आए हैं सर। मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं किए, जिस तरह का डिसीशन लिए हैं पार्टी बन के विदाउट पार्टी का प्रेसिडेंट, ऐसा कोई भी डिसीशन राजनीति में नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये घर के पार्टी में इसी तरह का डिसीशन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ सीएम इब्राहिम को खेलने के लिए बिठा रहे हैं, तो इस बात को ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सीएम इब्राहिम को भी खेल खेलने वाला नहीं है, एक साल हिंदुस्तान में रह के इस देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये फैसला लेने वालों में से हम भी थे। मुलायम सिंह जिंदा नहीं है, हरकिशन सिंह नहीं है, ज्योति बसु नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है, लालू यादव है, नीतीश कुमार जी, मकसद क्या है? वो उनसे मिलने के बाद पता चलेगा। मतलब आप अभी मिले नहीं? नहीं, अभी नहीं, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? फोन पर कोशिश कर रहे हैं, मैंने उनसे यही कहा है कि जब तक मैं अपने लोगों से ना मिलूं, उनकी राय ना लूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। कुमार स्वामी जी एक बात बोले हैं सर कि कुछ लोग जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ लोगों की जो बात है उसमें आप भी हैं क्या? उन्हें को पूछिए। और इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों ने हमेशा जेडीएस को साथ नहीं दिया और जो भी मुसलमान लीडर थे छोड़ के चले गए, तो हमें कहीं को उनकी परवाह करें। 18,000 वोट चनपटना में मुस्लिम देने के बाद कुमार स्वामी जीते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर उनके इला नहीं इला है घाट पर सर। सर आप बोलिए। तो इसलिए 16 तारीख को बात करने के बाद कुमार स्वामी जी से भी बात करूंगा। 16 तारीख के मुस्लिम लीडर से मिल रहे हैं या पूरे स्टेट के लीडर? डिफरेंट लीडर्स आए। सर जो पार्टी के जो दूसरे एमएलए हैं आपसे रब्ता कर रहे हैं, वो सब यहाँ ओपन में चर्चा नहीं कर सकता मैं। सर नॉर्थ कर्नाटका में भी जितने कौम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की जो बात करते हैं, आप प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ से आके आपको ज्वाइन किए थे, चाहे वो रायचूर हो, बेलगाम हो, या कलबुर्गी हो, यादगिरी हो, पूरा जो हैदराबाद कर्नाटका का बेल्ट है उसने ज्वाइन किए थे, लेकिन इस बार 20 मास रेसिग्नेशन भेजे हुए हैं। 20% वोट जनता दल को मुस्लिम्स के इस बार मिले हैं, लेकिन जनता दल का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, पर्टिकुलरली वकीलगंज। लास्ट टाइम एक वोट भी मुस्लिम का नहीं आया, जनता दल 30% सीट आई, ये बार 20% देने के बाद भी जनता दल सिर्फ 19 आई, इसका मतलब क्या हुआ? वकीलगंज बेल्ट जो है वो कांग्रेस के साथ गया है, इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है पार्टी में, पार्टी के लोग तैयार हैं। तो मैंने कुमार स्वामी जी कहे इसको तुम कबूल करो। रामनगर में मुस्लिम कैंडिडेट था कांग्रेस का, निखिल कुमार स्वामी को 3,000 मुसलमान वोट डाले हैं, पोलिंग बूथ का नंबर वोटिंग के साथ में दे रहा हूं,
डाले कि आज जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना समझे कि मुसलमान मजबूर है, ना हमारी ताकत आज हर कौम के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ सारे हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं। कर्नाटक का इतिहास वही है, कल आप देखेंगे मिलादुन्नबी में हिंदू लोग हिंदू बच्चे शरबत और मिठाई बांट रहे थे, ये संकेत क्या है? हम जो है राष्ट्र कवि पुट्टप्पा, मैं देवगढ़ा जी को कुमार स्वामी को यही कहना चाहता हूँ, पुट्टप्पा जी ने हमको पढ़ाया है, राष्ट्र कवि है, उनका सिद्धांत क्या है? इसलिए देवगढ़ा जी का मैं आदर करता हूँ, कुमार स्वामी की से मोहब्बत करता हूँ, 16 के बाद उनको मिलूंगा, जो फैसला आया वो सुनाऊंगा, उसके बाद वो क्या कहेंगे फिर हमारा। सर, क्या ये इलेक्शन क्या आप इतने हारने के बाद आपका सोच इतना क्यों ये हो जाता है सर, मतलब आप बहुत डिप्रेशन में है क्या? नहीं 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 सवाल खत्म हो गया सर, और देवगढ़ ने कहे कि सेक्युलर कांग्रेस सेक्युलर पार्टी खत्म कर। आज मेरी सूरत देखने के बाद आपको लगता है क्या मैं डिप्रेस हूँ? नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट पार्टी विल टेक इट्स ओन डिसीजन डेफिनेटली एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस विद देम, लेट आई विल सी व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द आवर पार्टी लीडर्स, देन ओनली आई कैन कम ओपनली एंड आई विल टेल। बट यू आर सेइंग आई एम हर्ट, आई विल टेक माय डिसीजन। No, I say I am hurt because they didn't inform me. If they would have informed, then I would have not gone to Delhi. I would have told them, let them come here. Devagoda is a great man. Why should Devagoda ji go to somebody's house? Presidential candidate, she came to Devagoda ji's house. अरे तीन चार पार्लियामेंट के सीट के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सर, इज कुमार स्वामी अवेयर दैट यू आर हर्ट? हैव यू कन्वेड योर मैसेज टू देम सर? हैव यू स्टेटेड दे मस्ट नो इट, दे मस्ट दे डेफिनेटली हैज ही मेड अटेम्प्ट्स टू पैसिफाई यू, काम यू डाउन? नो नो, ही समबडी टेलीफोन मी, ही आल्सो टेलीफोन मी, आई टोल्ड देम तिपेश्वर कॉल्ड मी, आई टोल्ड देम तिपेश्वर जी बिफोर स्पीकिंग टू कुमार स्वामी जी आई वांट टू टेक द ओपिनियन ऑफ माय पीपल, then I will come to you. So there was talk that some Congress leaders are in touch with you, sir. Some Congress leaders are in touch with you, and you are also in touch with them. You want to go? You are having keeping your options open. See, I spoke to Sharad Pawar ji. I spoke to our people. I spoke to Nitish Kumar ji. I spoke to many leaders, Congress leaders. Yes, I am not. इसे मैं किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने बातचीत किया उनको यही कहा है हमने, वट एवर द पार्टी टेक द डिसीजन ऑन 16th देन वी विल कम एंड डिस्कस विद यू। आपके पार्टी भूतबर सर? पार्टी जनता दल का पावर दिखाऊंगा, जनता का पावर दिखाऊंगा, वही तो कर रहा हूं मैं, लेकिन इसमें किसी को हर्ट करना किसी को नीचा करना नहीं है, जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी ओपिनियन को मानना होगा। आप कुमार स्वामी को छोटा भाई मान रहे हैं, आप छोटे भाई को कुमार खंजर मार दिया आपके पीछे, वो आपकी राय है, हमको कभी खंजर मारने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सर, कोई भी पार्टी हो आजकल आइडियोलॉजी से ज्यादा इलेक्शन के स्ट्रेटजीज और स्टैटिस्टिक देख रहे हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर ये डिस्कस ही नहीं हुआ है, हमको दर्द इस बात का है, उनको ये कहा था, उन्होंने कहा कि आप अलाइज करेंगे, लेकिन क्या सिद्धांत? तो पार्टी ने कहा देवगढ़ा जी कुमार स्वामी सीएम इब्राहिम में तीनों बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन हम तीनों बैठे भी नहीं, फैसला हुआ भी नहीं, ये दिल्ली चले गए, बोले तक नहीं मुझे, इसी पे मुझे दर्द हुआ। यू आर अनहैप्पी बिकॉज यू आर नॉट कंसल्टेड बाय बोथ एचडी कुमार स्वामी एज वेल एज एचडी देवगढ़ा जी? द पार्टी इज अनहैप्पी।
the party is unhappy. Party leaders are in there. Did you try speaking to Mr. Syed Shafiullah or the other minority leaders who quit as well? And in Narsim Raja it happened and they demanded your resignation as well. Stating that CM Ibrahim should not be there in the JDS party for the sake of power, but he should resign and he should go ahead and support the minority leaders. CM Ibrahim there in Janata Dal, my elected home, bhai. I have an elected man. Koi mere ghar ke andar aaya to main ghar chhod dun. मेरे घर के अंदर कोई आया, आपके घर में कोई आया तो आप घर छोड़ देंगे? आप घर को लेकर कहीं जा रहे हैं सर? 16 तारीख के बाद इसका जवाब मिलेगा। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई ये किया है, इनको ये करप्शन है, इन्हें इसमें है, नहीं। क्यों? अल्लाह मेरी हिफाजत किया है, वही अल्लाह मेरे आगे भी हिफाजत करेगा। और ये कौम मायूस है, खाम अगर गलती भी करते हैं उसको सही रास्ते पर ले जाना का काम खादिमों का होता है। तो इसलिए मुतअद्दी माजनों से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, उलमाए किराम से भी बातचीत कर रहा हूँ, जमात इस्लामी अलग के साथ ऑलरेडी बातचीत कर चुका हूँ। देखें 16 तारीख के बाद क्या होता है इंशाल्लाह।